बिहार के लघु सचिवालय के सामने आज शुक्रवार को फिर से किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने किसानों पर किए गए दर्ज मुकदमों को वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही करके किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार का हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा एवं पुतले जलाए जाएंगे। अगर तानाशाह तरीके से सरकार किसानों को जेल में डालने का काम करेगी तो किसान सड़कों पर आकर आंदोलन को तेज करेगा। उन्होंने गत दिनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद रतनलाल कटारिया एवं नायब सिंह सैनी द्वारा निकाली गई अध्यादेशों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को किसानों पर कुठाराघात बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस तरह किसानों को दबाने का काम करेगी तो आगामी दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज हो तो कटारिया के खिलाफ हो, मुकदमा दर्ज हो तो सैनी के खिलाफ हो, जोन से उनको रैली को लेकर के आगे आगे चल रहे थे, उनके अंदर बीमार आदमी जो के मरने के कगार पर है, पहले भी दो फ्रीका है, उसको अटैक आ चुका था और उसको साथ लेकर के चल रहे थे, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हमारे किसान वर्करों के खिलाफ उनको डराने का एक तरीका है। यदि हम एक बात कहते हैं कि जितना किसान को दबाओगे उतना ही ज्यादा भड़क उठेगी, उतने ही ज्यादा आंदोलन तेज होते चले जाएंगे। ये सरकार करते हो तो करके देख ले किसान के साथ। इन्होंने किसी और से टकराए होंगे, किसी और से किए होंगे। किसान के साथ जितना टकराओगे उतनी ज्यादा इनके साथ भड़क चलती चली जाएगी। आज हम इन अध्यादेशों की जो मोदी ने जो किसानों को अध्यादेश सौंपे गए हैं ये जबरदस्ती सौंपे हैं। इसमें किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, ना किसानों की कोई राय ली गई है। किसानों को जबरदस्ती दबाने के लिए, किसान को मजदूर बनाने के लिए उन्होंने ये तीन अध्यादेश लेके आया। किसान कुछ नहीं मांग रहा है, किसान एक मांग कर रहा है भाई हमारा भी एक लाइन लिख दो, समर्थन मूल्य रहेगा, वो कानून के अंदर लाया जाए। लेकिन ये सरकार बोलती है रहेगा, ये जुबान से बोलती है, लिखित में नहीं देती। लेकिन जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी किसान इसी तरह अपने धरने प्रदर्शन करेगा, जाम भी करेगा। 5 तारीख को सारा भारत बंद रहेगा 10 बजे से 4 बजे तक, और 25 तारीख को इस नरेंद्र मोदी जो राउंड रूपिन बैठा है ना इस देश में, नरेंद्र मोदी उसका भी हम जगह जगह पर पुतले जलाएंगे और उसको ये बताकर छोड़ेंगे कि किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है जब तक ये तीनों देश वापिस नहीं लिए जाएंगे। क्या नाम अपना? मैं छत्रपाल सिंधड़ बलो कसम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.